नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत कर रहे हैं आज की उस बड़ी खबर से जो बीते 24 घंटे से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मंगलवार की रात 30 और 31 जुलाई, ये वो वक्त बन चुका है जो दुनिया के भविष्य पर संकट बन सकता है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद इसराइल और ईरान की जंग कभी भी छिड़ सकती है। ईरान में हानिया के बदले की आवाज उठने लगी है। अरब के कई देश इसराइल पर हमले की मांग करने लगे हैं क्योंकि मंगलवार की रात को अरब में दो विनाशक घटनाक्रम हुए हैं। ये दो अलग अलग देशों में हुए। पहला ये कि तेहरान के एक अति सुरक्षित इलाके में ठहरे हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। साथ ही इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष मेहमान थे। और खबर ये भी है कि मंगलवार की रात को ही हानिया से पहले लेबनान में हिजबुल्ला कमांडर फवाद शुक्र की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। एक ही रात में इसराइल के दो सबसे बड़े दुश्मनों के मारे जाने से अरब के शक्ति समीकरण डगमगा गए हैं। इन दो हत्याकांड की कड़ी इसराइल से जुड़ी है और इनका असर एक साथ अरब के कई देशों में हो रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला फवाद का बदला लेने की तैयारी कर रहा है और इराक में रेजिस्टेंट फोर्स के लड़ाके जंग की तैयारी में जुट गए हैं। सीरिया में जुटे अफगानिस्तान पाकिस्तान के लड़ाके इसराइल पर हमला कराने का ऐलान कर चुके हैं और इन दो हत्याकांड की चिंगारी पूरे अरब में महासंग्राम की ज्वाला भड़का सकती है और इस ज्वाला के भड़कने की आशंकाएं तेज हो गई हैं क्योंकि खामेनाई ने इसराइल को कड़ी सजा का ऐलान भी कर दिया है और ईरान की जमकरन मस्जिद पर प्रतिशोध का झंडा फहरा दिया गया है। लेबनान में इसराइल पर हमले की मांग उठने लगी है। लेबनान में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यमन से हूती ने हानिया की मौत के बाद बड़े युद्ध का ऐलान किया है। इसराइल में हानिया फवाद की मौत पर मिठाई बांटी जा रही है और इसी के साथ ही इस्माइल हानिया की मौत अरब का सबसे बड़ा संकट बन सकती है और इस हत्याकांड से कई गहरे रहस्य जुड़े हुए हैं। हत्या के पीछे इसराइल को ही मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, लेकिन इस हत्याकांड से अरब के स्टेक होल्डर्स यानी हितधारक देशों के तार जुड़े हो सकते हैं और इस हत्याकांड से दुनिया के सुपर पावर्स भी जुड़े हो सकते हैं। क्लीन चिट ईरान को भी नहीं दी जा सकती। TV9 भारतवर्ष इस हत्याकांड से जुड़ी सभी थ्योरी आपके सामने रखने जा रहा है क्योंकि कई ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने दोस्त का मुखौटा पहन रखा है और कई ऐसे देश हैं जो हानिया की हत्या चाहते थे। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की ये तस्वीरें तेहरान में रिकॉर्ड की गई और यही उसकी अंतिम तस्वीरें बन गई है। इस्माइल हानिया इसराइल विरोधी नीतियों को बड़ा आयाम देने की उम्मीदों से तेहरान गया और ये उसकी अंतिम यात्रा साबित हुई। ये ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से हानिया की आखिरी बैठक की तस्वीरें हैं। इस बैठक में हानिया ने जो कुछ कहा वो सुनिए। इस्माइल हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष मेहमान था और इस समारोह में उसका कद इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। तेहरान के सबसे खास समारोह में हीरो बने हानिया की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं।
पहला सवाल यह है कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे कौन है। दूसरा सवाल यह है कि हानिया तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मारा कैसे गया। सवाल यह भी है कि क्या इस हत्याकांड में दुनिया के दूसरे नेता भी शामिल है। सवाल तो यह भी है कि क्या हानिया की हत्या कराने के पीछे ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान है। इसराइल को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन क्या अकेला इसराइल हत्या में शामिल है? क्या ईरान को क्लीन चिट मिल गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हानिया के रहने का इंतजाम आईआरजीसी गेस्ट हाउस में पजेश्कियान के घर से 100 मीटर दूर किया गया। ये तेहरान का हाई सिक्योरिटी इलाका था। जिस घर में हत्या हुई वहां हानिया, उनकी सिक्योरिटी और पर्सनल स्टाफ के अलावा किसी को नहीं ठहराया गया। कुछ दूरी पर मौजूद इमारत में पीआईजे प्रमुख के साथ कई और नेता ठहराए गए। हानिया के अलावा सिर्फ एक बॉडीगार्ड की मौत हुई, जबकि इमारत की निचली मंजिल पर हानिया का पर्सनल स्टाफ था। तो क्या ये मुमकिन है कि तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में हमलावर घर में घुस सकते हैं? क्या बिना सुरक्षा के समझौता किए बगैर क्या ये हत्या मुमकिन थी? लेकिन सवाल ये भी है कि ईरान के नए राष्ट्रपति आखिर हानिया की हत्या क्यों करवाएंगे? तो इसका जवाब है कि विदेश नीति सरल रेखा की तरह नहीं चलती। पजेश्कियान की चुनाव में जीत के बाद दुनिया ने यही कहा था कि पश्चिम से उनके रिश्ते बहुत बेहतर हैं। शपथ ग्रहण में पजेश्कियान ने कहा कि मैं ईरान पर अत्याचारी प्रतिबंधों को हटाने का हर प्रयास करूंगा। मुझे भविष्य की बड़ी उम्मीद दिख रही है। तो ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध आखिर कैसे हट सकते हैं? इसका जवाब है अमेरिका के हित में अरब में काम करने से ही ये मुमकिन है। शक ये है कि हानिया की हत्या के लिए ईरान और अमेरिका के बीच बड़ी डील हो सकती है। अमेरिका अरब युद्ध नहीं चाहता और हानिया की मौत से इसराइल खुश है। ऐसे में गाजा युद्ध विराम हो सकता है। ईरान को अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंधों में बड़ी छूट मिल सकती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 7 देशों का प्रतिबंध हटाया जा सकता है। गाजा युद्ध में सीज फायर का श्रेय ईरान को मिल सकता है। ईरान गाजा युद्ध में सीधा मध्यस्थ बनकर फिलिस्तीनियों को बेहतर डील दिला सकता है। गाजा की जंग का विस्तार होता जा रहा है। लेबनान से लेकर इसराइल तक बीते एक महीने से धधक रहे हैं। ये सब गाजा की जंग की वजह से ही हो रहा है और गाजा की जंग रोकने के लिए इसराइल कैबिनेट का बड़ा वर्ग, हिजबुल्ला, लेबनान, फिलिस्तीन अथॉरिटी सहित हमास भी सहमत है। इसीलिए पजेश्कियान ही नहीं बल्कि इसराइल, फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी शक के घेरे में हैं। इस्माइल हानिया के मर्डर की दूसरी थ्योरी में ये तीन मुख्य चेहरे हैं: फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इन पर शक इसलिए है क्योंकि हमास और पीए के बीच गाजा की सत्ता पर पुराना विवाद है। जुलाई में ही चीन ने दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। दरअसल फिलिस्तीन अथॉरिटी गाजा पर पहले ही की तरह नियंत्रण करना चाहती है। हानिया की मौत से हमास का गाजा में वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमास के कमजोर होने से पीए का फायदा होगा। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही महमूद अब्बास अमेरिका के संपर्क में है। अगर हानिया की मौत के बाद अब्बास की भागीदारी से सीज फायर हुआ तो वो शांति के नायक बन सकते हैं। अब
हानिया की हत्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर तेहरान के स्पेशल एजेंट तक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हत्या का तरीका इसी तरफ इशारा कर रहा है। इस हत्याकांड में ईरान के डबल एजेंट भी शामिल हो सकते हैं। ईरान की IRGC में इजराइल और अमेरिका के कई डबल एजेंट हैं। इस्माइल हानिया को IRGC के सेफ हाउस में रखा गया था। हानिया का शव सेफ हाउस के बाथरूम में मिला। माना यह जा रहा है कि सेफ हाउस में घुसकर हानिया की हत्या की गई। इसका मतलब हत्या करने वाले को इमारत के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन हत्या का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं था। हानिया को हर कीमत पर मारने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से भी ऑपरेशन चलाया गया और हानिया के सेफ हाउस पर ड्रोन या मिसाइल हमला भी किया गया। हानिया जिस इमारत में ठहरा था उस पर ड्रोन से मिसाइल हमले या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल से भी हमले की रिपोर्ट है और ये उसी हमले की सांकेतिक तस्वीरें हैं। ईरान से सटे आर्मेनिया बॉर्डर पर मोसाद के कई सीक्रेट ठिकाने हैं। यहाँ इसराइल के हथियार और एजेंट्स दोनों तैनात हैं। आशंका है कि पहले हानिया के घर में घुसकर हत्या की गई, इसके बाद सेफ हाउस पर स्पाइक मिसाइल से पिन पॉइंट हमला किया गया। स्पाइक एक नेवल और सरफेस टू एयर मिसाइल है। स्पाइक मिसाइल से कंट्रोल्ड हमला किया जा सकता है। ये स्पाइक मिसाइल के कंट्रोल्ड हमले की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे ये मिसाइल एक के ऊपर एक रखे कंटेनर पर हमला करती है और नीचे के हिस्से को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने हानिया की हत्या वाली घटना स्थल की एक भी तस्वीर या कोई बड़ी जानकारी जारी नहीं की है। तेहरान इस मामले को बहुत सीक्रेट रखने में जुटा हुआ है। क्योंकि हानिया की मौत से अरब की शांति और अशांति दोनों जुड़ी है। उसकी मौत से विश्व युद्ध भड़कना और रुकना दोनों का कनेक्शन है। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका और रूस दोनों इस हत्याकांड के पीछे हो सकते हैं। हानिया की हत्या के पीछे CIA के एजेंट हो सकते हैं। पहला शक अमेरिका पर है, क्योंकि अमेरिका गाजा सीज फायर चाहता है। गाजा सीज फायर न होने से हिजबुल्ला इसराइल की जंग तय है। अमेरिका अरब फ्रंट पर जंग में उलझना नहीं चाहता। इसराइल 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का सबसे बड़ा गुनाहगार हानिया को मानता था। हानिया की मौत के बाद इसराइल गाजा सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन यूक्रेन जंग में उलझा रूस ये नहीं चाहता कि अरब में शांति हो, क्योंकि अमेरिका का अरब फ्रंट पर उलझना उसके लिए फायदेमंद है। इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि हानिया की हत्या के पीछे रूस भी हो सकता है। इस हत्या की साजिश रूसी खुफिया एजेंसी FSB भी कर सकती है, क्योंकि हानिया की हत्या से ईरान इसराइल की जंग छिड़ सकती है। इस जंग से रूस को अरब में वर्चस्व बढ़ाने का मौका मिलेगा। अरब में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हानिया की हत्या के पीछे थ्योरी कई है, लेकिन अभी जो आसार नजर आ रहे हैं उससे अरब में महासंग्राम छिड़ने के संकेत मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तेहरान में IRGC की आपात बैठक को लेकर। जानकारी है कि स्पेशल अलर्ट पर ईरानी मिसाइल फोर्सेस। हानिया की मौत के बाद तेहरान में तनाव बरकरार है और ईरान में इसराइल पर हमले की मांग काफी ज्यादा तेज होने की जानकारी भी सामने आ रही है। इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें ये महत्वपूर्ण खबर ये कि ईरान में इसराइल पर हमले तेज करने की मांग हुई है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया का
के मारे जाने के बाद अरब में महाविध्वंस की वजह इसे कहा जा सकता है कि बन जाए, क्योंकि हमास के प्रमुख हानिया बतौर मेहमान ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे थे नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, मगर इसराइल ने तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मिसाइल हमले के जरिए इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में अब ईरान भड़का हुआ है। तेहरान में हानिया की मौत होने के बाद ईरान को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब ईरान क्या करेगा, कैसे हानिया की मौत का इंतकाम इसराइल से लेगा। देखिए, नौ महीने 23 दिन बाद ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली पीएम नेतन्याहू का इंतकाम पूरा हुआ। 9 महीने 23 दिन बाद हमास का प्रमुख मिसाइल हमले में मारा गया। और ठीक 9 महीने 23 दिन बाद इसराइल ने हमास चीफ को मौत के घाट उतारकर 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले का बदला पूरा किया। गौर करने वाली बात यह है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया का शिकार इसराइल ने गाजा या फिर कतर में नहीं, बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में घुसकर किया। प्रेसिडेंट हाउस से महज चंद मीटर की दूरी पर मौजूद आईआरजीसी के वॉर वेटरन गेस्ट हाउस में किया, वो भी उस वक्त जब तेहरान के सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाया गया था। तेहरान के कोने कोने में डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें तैनात की गई थी। बावजूद इसके इसराइल ने हानिया के हंट ऑपरेशन को बड़ी आसानी से पूरा किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हानिया के खात्मे का प्लान बनाया। मोसाद ने तेहरान में मौजूद हमास के प्रमुख हानिया की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद इजरायली सेना ने हानिया के ठिकाने पर मिसाइलें बरसाई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने या फिर सेफ जोन में हानिया पर हमला कैसे हुआ, कैसे तेहरान की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस इसराइल के मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। तो आपको बता दें कि मोसाद और इजरायली सेना ने हानिया के हंट ऑपरेशन का ऐसा विध्वंसक प्लान बनाया जिसे तोड़ पाना तो छोड़िए, उसकी भनक तक ईरान की खुफिया एजेंसी और आईआरजीसी को नहीं लगी। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन यानी राष्ट्रपति भवन के पास हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा गया, वो भी मिसाइल हमले में। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल 30 जुलाई की सुबह 10 बजे ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इस्माइल हानिया तेहरान पहुंचे थे। 30 जुलाई की शाम 4 बजे मसूद पजिश्कियान का शपथ ग्रहण समारोह तेहरान के प्रेसिडेंट हाउस में शुरू हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमास प्रमुख हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान से मिलते हुए भी दिखाई दिए, और इस समारोह के बाद हानिया प्रेसिडेंट हाउस से महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद आईआरजीसी के वॉर वेटरन गेस्ट हाउस में पहुंचे। वॉर वेटरन गेस्ट हाउस में ही हानिया के ठहरने की व्यवस्था की गई थी, और इसी दौरान इस्माइल हानिया ने कई मुस्लिम देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। दावा किया जा रहा है कि 31 जुलाई की रात 2 बजे तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मौजूद गेस्ट हाउस पर मिसाइल हमला हुआ, और रात करीब 2:10 पर गेस्ट हाउस पर हुए मिसाइल अटैक में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई। गाजा पर हमले से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की सौगंध खाई थी।
लेकिन बेंजामिन का ये प्रण अब पूरा होने के बजाय पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गाजा में आईडीएफ ताबड़तोड़ हमले कर रही थी जिससे इसराइल के खिलाफ ग्लोबल विरोध बढ़ता जा रहा था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि हमास की टॉप लीडरशिप गाजा से फरार हो चुकी है, वो अरब के देशों को अपना खुफिया ठिकाना बना चुकी है और उन्हीं में से एक था इस्माइल हानिया जो हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख था। मगर जैसे ही हानिया के तेहरान पहुंचने की खबर मौसात को लगी, फौरन हानिया के खात्मे का प्लान तैयार किया गया और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक 10 घंटे बाद प्रेसिडेंट हाउस से 100 मीटर दूर मौजूद वॉर वेटरन के गेस्ट हाउस में हानिया को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया। हानिया के खात्मे की खबर के बाद ईरान समेत पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। ईरान की सरकार और सेना पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे, क्योंकि हानिया बतौर मेहमान तेहरान पहुंचे थे, वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। ऐसे में आशंका जताई जाने लगी है कि आखिर तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में हानिया की हत्या कैसे हुई, प्रेसिडेंट हाउस से 100 मीटर दूर इसराइल ने मिसाइल कैसे दागी, हानिया की हत्या से जुड़ा इनपुट खुफिया एजेंसी को क्यों नहीं मिला। इस्माइल हानिया की हत्या में ईरान के विरोधी गुटों का भी हाथ है, तेहरान का डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइलों को रोकने में नाकाम कैसे रहा। हालांकि हानिया की मौत के बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान के कौम शहर में मौजूद जामकरन मस्जिद पर ईरान ने लाल झंडा भी फहराया जो सीधे सीधे महायुद्ध का सूचक है। वहीं हमास चीफ हानिया की मौत के बाद अरब में महाजंग की भी चिंगारी भड़क सकती है और इसके संकेत अलग अलग देशों और संगठनों के बयानों से मिल रहे हैं। दरअसल हानिया की मौत की बड़ी कीमत इसराइल को चुकानी होगी। हमास चीफ हानिया पर हुए कायरतापूर्ण हमले का बदला लेंगे। इसराइल ने गाजा जंग को अरब में फैलाने की कोशिश कर दी है। हमास के प्रमुख हानिया की मौत बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जिस तरह हानिया की हत्या हुई हम उसका विरोध करते हैं। रूस, चीन, तुर्की के साथ ईरानी प्रॉक्सी भी अब इसराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका ने फिर ऐलान किया है कि वो हर हाल में इसराइल की सुरक्षा करेगा। अमेरिका का ये बयान इस बात का संकेत है कि अगर इसराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका भी इस जंग में खुद को झोंक देगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने IRGC की बैठक ली जिसमें इसराइल पर आक्रमण का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इतना ही नहीं, ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इसराइल पर चौतरफा हमले की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। मतलब ये है कि हानिया को लेकर अरब में महायुद्ध के बरसात बिछ चुकी है। अब ये देखना होगा कि ईरान कैसे पलटवार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक को लेकर। IDF पर प्रॉक्सी के बड़े हमलों का खतरा लगातार बरकरार है। IDF ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती को बढ़ा दिया है। एक बार फिर से आपको यह बड़ी खबर बता दें, दरअसल जानकारी है कि इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक चल रही है और IDF पर प्रॉक्सी के बड़े हमले का खतरा बरकरार है और इधर IDF ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजरायल ईरान में तनाव बढ़ रहा है, एक बड़े टकराव का अंदेशा है। इस साल दूसरी बार है जब दोनों देशों के बीच विध्वंसक युद्ध के आसार बने हैं। इससे पहले सीरिया में इजरायली स्ट्राइक में दो टॉप कमांडर मार गिराने से तनाव बढ़ा था। इस बार हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल की मौत से अरब सुलग रहा है और हालात ऐसे हैं कि इजराइल 7 मोर्चों में गिर गया है, जबकि अमेरिका को अरब में अपने वर्चस्व खत्म होने का खतरा लग रहा है। ईरानी प्रॉक्सी ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब इजराइल की बारी है कि वो कैसे पलटवार करता है। अगर युद्ध हुआ
तो इसका दायरा यूरोप एशिया तक फैल सकता है, क्योंकि रूस चीन युद्ध में उतर सकते हैं। अगर महाशक्तियों में टकराव हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक भी हो सकती है। इसराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ईरान से फरमान जारी हो चुका है। अब अरब में आर पार की जंग के आसार बन रहे हैं। या तो इसराइल का सर्वनाश हो जाएगा या फिर ईरानी प्रॉक्सी का संपूर्ण खात्मा होकर रहेगा। आखिर क्यों अरब सुलग रहा है? कभी भी एटमी जलजला आ सकता है। इन दो तस्वीरों में इसका राज छिपा है। 10 घंटे में इसराइल ने अपने दो दुश्मन मार गिराए हैं। हमास का चेयरमैन, पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में घुस कर खत्म किया, जबकि उससे 10 घंटे पहले हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फवाद शुक्र को मारा गया। फवाद शुक्र को बेरूत में और इस्माइल हानिया को तेहरान में खत्म किया गया। में इसराइल ने दो टॉप कमांडर को मारकर बता दिया कि वो रुकने वाला नहीं है। हमास और हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप को खत्म करके ही दम लेगा। इसराइल के इस आक्रामक तेवर के बाद मुस्लिम देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खास करके ईरान और तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर इसराइल के खिलाफ इस्लामिक देश एकजुट हुए तो पश्चिमी देशों को इसराइल का साथ देने के लिए युद्ध में उतरना पड़ सकता है। यानी अरब से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी कभी भी ज्वाला में बदल सकती है। एक तरफ इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे नेटो देश साथ आ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान, लेबनान, यमन, तुर्की के साथ चीन, रूस आ सकते हैं। यानी महाशक्तियां अरब में टकरा सकती हैं। अरब के दूसरे देश शिया देश लेबनान ईरान के साथ हैं, क्योंकि ईरान लेबनान शिया मुल्क है, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर बाकी देश भी जुट सकते हैं। अरब में युद्ध की आग लग चुकी है। रूस और चीन इसलिए भी इस्लामिक मुल्कों के साथ आएंगे क्योंकि दोनों ही मुल्क अरब में अमेरिका के दबदबे को खत्म कराना चाहते हैं। हालांकि अभी अमेरिका की तरफ से कहा गया है अगर इसराइल पर हमला हुआ तो उसकी रक्षा के लिए अमेरिका जरूर आएगा, लेकिन इसराइल को रॉकेट छोड़कर कूटनीति से इस मसले का हल करना चाहिए। अमेरिका के बयान के तुरंत बाद रूस की तरफ से कहा गया है ईरान पर हमला आतंकी हमला है और ईरान को इसका जवाब देने का हक है। रूस इंसाफ के लिए ईरान के हक में खड़ा है। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी गुटों का खून उबाल मार रहा है। इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, खास तौर से यमन से संचालित होती ने लाल सागर में ऐलान कर दिया है कि अब पश्चिमी देशों के हर जहाज को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा सीरिया इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी की जा रही है। यानी इसराइल के साथ अमेरिका को भी टारगेट करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी गोला बारूद के साथ तैयार है। इराकी मिलिशिया ग्रुप अल नुजबा ने कहा है हिजबुल्ला की मदद के लिए अपने लड़ाके भेज रहा है जिससे इसराइल पर भीषण हमले किए जा सके। इसी तरह दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन IRGC के फरमान का इंतजार कर रहे हैं। बस एक इशारा हो और इसराइल की घेराबंदी करके उसे बारूद का ज्वालामुखी बना दिया जाए।
दरअसल इसराइल पर 7 फ्रंट से हमला हो सकता है। पहला और सबसे हमलावर फ्रंट लेबनान बन चुका है, जहां से हिजबुल्ला हमले कर रहा है। दूसरे फ्रंट पर वेस्ट बैंक से इसराइल पर हमले हो रहे हैं, वहां से हिजबुल्ला की मदद कर रहा इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमले कर रहा है। तीसरे फ्रंट गाजा में इसराइल पिछले 11 महीने से उलझा है, जहां हमास लड़ाके घात लगाकर हमला कर रहे हैं। यमन फ्रंट पर हूती आक्रामक है, जिसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को टारगेट किया हुआ है। पांचवा फ्रंट ईरान है, जो कभी भी इसराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। छठा फ्रंट इराक से कतायब हिजबुल्ला भी हमले की तैयारी कर रहा है, जबकि सातवें फ्रंट सीरिया में बद्र ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका सैन्य ठिकानों को टारगेट कर लिया है। इसराइल पर कभी भी हमला हो सकता है, इसका ऐलान हो चुका है। इस्माइल हानिया की मौत के कुछ घंटों बाद मस्जिद जमकरान पर लाल झंडा लगा दिया गया है, जो बदले का प्रतीक है। इसी तरह ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के वक्त भी झंडा लगाया गया था। मध्य पूर्व में इसराइल एक बड़े संकट में घिर चुका है। अमेरिका परिस्थिति की गंभीरता को समझ रहा है, इसलिए उसने एक वॉरशिप लेबनान के पास लगा दिया है, जबकि 2 वॉरशिप यमन के पास तैनात किए गए हैं। इराक सीरिया में अपने सैन्य ठिकानों को वॉर रेडी कर दिया है। लगातार ईरानी प्रॉक्सी धमकी दे रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, जबकि इसराइल लगातार लेबनान, गाजा और वेस्ट बैंक पर हमले कर रहा है। इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने मिसाइल साइट का निरीक्षण किया और मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डालने का फरमान जारी कर दिया। हमास ने कहा है, हम युद्ध का ऐलान करते हैं, बदला लेकर रहेंगे। होती ने कहा है, इसराइल अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, जबकि हिजबुल्ला ने इसराइल में बड़े नरसंहार की धमकी दी है। हालांकि अभी तक इसराइल की तरफ से ईरान और लेबनान की धमकी पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इसराइल ने लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी में अमेरिका है। अगर वो खुलकर इसराइल के साथ युद्ध में उतरता है तो पूरा अरब उसके खिलाफ हो सकता है। इसी मौके की तलाश में रूस और चीन है, इसलिए अमेरिका बार बार इसराइल को संयमित हमले के लिए कह रहा है। लेकिन इसराइल को पता है कि अगर उसे वजूद बचाना है तो आक्रामक रहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी जानकारी मिल रही है यूएस इजरायली रक्षा मंत्री की बातचीत को लेकर। ऑस्टिन ने गैलेंट से फोन पर बात की है, यह खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने दी है इजरायल को सुरक्षा की गारंटी और यह मीटिंग भी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल ने जो हमला किया है वो अरब विनाश का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। इजरायल का दावा है कि बेरूत में उसके विस्फोट में हिजबुल्ला के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर और नसरल्ला का राइट हैंड मारा गया है। मारा जा रहा है कि हिजबुल्ला इसराइल में अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला करने जा रहा है। हिजबुल्ला को ईरानी सेना का भी साथ मिल सकता है और इसी खतरे को देखते हुए इजरायली सेना जमीन से लेकर आसमान तक हाई अलर्ट मोड में है। तारीख 30 जुलाई 2024, जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। शाम का समय था, बेरूत के अल हरीक इलाके में आसमान से मिसाइल आई, बिल्डिंग को हिट किया, इमारत के कई फ्लोर तबाह हो गए और इसी के साथ लेबनान की राजधानी बेरूत में इसराइल को बहुत बड़ी सफलता मिल गई। हिजबुल्ला को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंच गया।
इसराइल का दावा है कि एयर स्ट्राइक में नसरल्ला का राइट हैंड, हिजबुल्ला का नंबर दो, हिजबुल्ला के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर मारा गया। इसराइल हिजबुल्ला के जिस कमांडर को खत्म करने का दावा कर रहा है वो कौन था? इसराइल का ये हमला अरब विनाश का कारण क्यों और कैसे बनने जा रहा है ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए इसराइल ने बेरूत के साथ साथ हिजबुल्ला को कैसे दहला दिया। धमाके के बाद इमारत तबाह हो गई, इलाके में बारूदी राख और धुआं नजर आने लगा। वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ ही देर में मौके पर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देने लगा। हमले से आधा दर्जन लोग मारे गए, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल का दावा है कि हमले में हिजबुल्ला का दूसरा सबसे बड़ा लीडर मारा गया। फुआद शुक्र हिजबुल्ला के मिलिट्री विंग जिहाद काउंसिल का चीफ कमांडर था। वो हिजबुल्ला के स्ट्रैटेजिक यूनिट का हेड था। हसन नसरल्ला का राइट हैंड था। नसरल्ला का चीफ सलाहकार, मिलिट्री ऑपरेशन का हेड भी था। इतना ही नहीं, फुआद शुक्र ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 27 मई को मस्जिद अल शम्स हमले की प्लानिंग की थी। IDF ने ऐलान किया है कि फुआद शुक्र को मौत के घाट उतारकर उसने मस्जिद अल शम्स में हुए बाल संहार का बदला ले लिया है। इसराइल दावा कर रहा है कि फुआद शुक्र मारा जा चुका है, लेकिन हिजबुल्ला के सूत्रों और कई देशों के मीडिया का कहना है कि हमले में फुआद शुक्र बाल बाल बच गया। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने हिजबुल्ला से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा है कि शुक्र की हत्या का प्रयास विफल रहा। लेबनानी मीडिया हाउस अल मायादीन की रिपोर्ट है कि हमले के वक्त फुआद शुक्र बिल्डिंग में नहीं था। अल जजीरा की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि फुआद शुक्र जिंदा है। इसराइल की कुछ मीडिया हाउस भी फुआद के बाल बाल बच जाने की बात कर रही हैं। फुआद शुक्र जिंदा है या मारा गया ये अब तक रहस्य बना हुआ है। इसका सच अब तक दुनिया के सामने नहीं आ सका है। हिजबुल्ला की तरफ से हमले को लेकर एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि हमले के वक्त फुआद शुक्र बिल्डिंग में मौजूद था, लेकिन हिजबुल्ला ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि फुआद शुक्र मारा गया या बच गया। सवाल यही है कि आखिर फुआद शुक्र को लेकर जो सच है उसे हिजबुल्ला क्यों छिपा रहा है? क्या इसके पीछे हिजबुल्ला की कोई नई चाल है? इस सवाल का आधिकारिक जवाब अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन मोसाद से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्ला इसराइल के तेल अवीव, हाइफा और हदेरा में बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल में किसी भी वक्त बड़े हमले की संभावना इसलिए प्रबल है क्योंकि बेरूत में इसराइल के हमले के बाद हिजबुल्ला के साथ साथ लेबनान के लोगों में भी गुस्सा है। बेरूत समेत लेबनान के तमाम शहरों में ये गुस्सा हमले के बाद लगातार दिख रहा है। जगह जगह भीड़ सड़कों पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रही है। लोग इसराइल में बड़े हमले की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ बदला लेने की मांग कर रही है। इस बीच हिजबुल्ला लीडर अली अम्मार ने कहा है कि इसराइल को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान के विदेश मंत्री बू हबीब ने कहा है कि हिजबुल्ला ऐसा बदला लेगा कि इसराइल की पीढ़ियां याद रखेंगी। जाहिर है इसराइल में हिजबुल्ला का ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। हमले की आशंका को देखते हुए इसराइल ने तेल अवीव और हाइफा में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हाइफा के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसराइल को डर है कि हिजबुल्ला हाइफा पर हमला करेगा। हमले को रोकने के लिए इसराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इतना ही नहीं, उत्तरी इसराइल के एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है। लोगों को भी सावधान रहने और होम कमांड के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसराइल में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिजबुल्ला के पास जमीन, आसमान और समंदर से भी हमला करने की ताकत है। हिजबुल्ला इसराइल को जल, थल और नब से विस्फोट कर दहला सकता है। यही वजह है कि इसराइल एक के बाद एक कई एहतियात बरत रहा है। IDF प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि इसराइल जंग नहीं चाहता,
लेकिन इसके लिए तैयार भी है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों को हमले पर बयान नहीं देने को कहा है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो हर हाल में इसराइल की रक्षा करेगा। इसी के साथ अमेरिकी युद्धपोत लेबनान पहुंच गया है। कतर से अमेरिका का कार्गो प्लेन इसराइल पहुंच गया है। ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यह तैयारी हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल को बचाने के लिए की है। अब माना जा रहा है कि इसराइल से बदला लेने के लिए ईरान लेबनान को ही फ्रंट बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि हानिया केस में ईरान की पड़ताल जारी है। हानिया की हत्या नरसंहार या साजिश, इसको लेकर जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तेहरान में बड़े हमले की तैयारी थी, ईरान की तरफ से ये इंफॉर्मेशन भी कंफर्म हो रही है, और साजिश करने वालों को कड़ा जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा, इस बात का ऐलान भी ईरान ने किया है। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस्माइल हानिया मारा जा चुका है, लेकिन हानिया की मर्डर मिस्ट्री से जुड़े कई मामलों में कई सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल इसराइल के ऑपरेशन को लेकर है। अब तक ये सामने नहीं आया कि हानिया की हत्या कैसे की गई, वो कौन सा हथियार था जिसके बारूद ने इस्माइल हानिया की जान ली, और इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इन्हीं दावों की पड़ताल करती है हमारी ये रिपोर्ट। तारीख 30 जुलाई 2024, जगह इसराइल। कतर के अल उदेद एयरबेस से उड़ान भरकर अमेरिकी कार्गो प्लेन इसराइल के हाइफा एयरबेस पर लैंड करता है। कार्गो प्लेन से एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक और तबाही के दूसरे हथियार एयरबेस पर उतार कर तैनात किए जाते हैं। दावा है कि इसराइल में हथियारों की बड़ी खेप पहुंचने की वजह ईरान के पलटवार का डर था। इसराइल को डर था कि ईरान में घुसकर हमला करने के बाद तेल अवीव पर बड़ा हमला हो सकता है। कार्गो प्लेन इसराइल पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हमास लीडर इस्माइल हानिया की मौत पिन पॉइंट टारगेटेड हमले में हुई, यानी नुकसान सिर्फ उस जगह पर हुआ जहां इसराइल चाहता था, वो भी एक बेहद सीमित इलाके में। सवाल उठ रहे हैं कि हानिया की मौत का ऑपरेशन इतना सटीक कैसे था, और वो कौन सा हथियार था जिसकी बारूद की रेंज सिर्फ हानिया तक थी। हानिया की मौत का ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, इसे लेकर चार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा नंबर एक, ड्रोन से गाइडेड मिसाइल दागी गई। दावा नंबर दो, F-35 फाइटर जेट से मिसाइल हमला। दावा नंबर तीन, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन से गाइडेड मिसाइल दागने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। माना जा रहा है ड्रोन से जो मिसाइल दागी गई वो डेलिला मिसाइल, स्पाइक मिसाइल या फिर हेलफायर मिसाइल थी। दावा किया जा रहा है इन्हीं में से किसी मिसाइल को ड्रोन के जरिए हानिया के बेडरूम तक पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन के लिए डेलिला मिसाइल को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है, वो वजह क्या है इस वीडियो से समझिए। इस वीडियो में डेलिला मिसाइल एक हेलीकॉप्टर पर लोड नजर आ रही है। मिसाइल लॉन्च होकर तेजी के साथ टारगेट की तरफ बढ़ती है और फिर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर हिट करती है। धमाके से नुकसान सिर्फ एक सीमित हिस्से में होता है, ठीक वैसे ही जैसे इस्माइल हानिया के अपार्टमेंट में हुआ। दरअसल डेलिला मिसाइल को पिन पॉइंट टारगेटेड हमले के लिए डिजाइन किया गया है, जो निशाने से कभी नहीं चूकती। डेलिला मिसाइल में टारगेट की लोकेशन फीड की जाती है, GPS की मदद से लोकेशन तक पहुंचती है। मिसाइल में आगे की तरफ कैमरा लगा होता है जो दुश्मन को 16 किलोमीटर दूर से लोकेट कर लेता है, जिसके बाद तस्वीर भेजकर मिसाइल टारगेट की पुष्टि करती है। हमले का आदेश मिलने के बाद टारगेट को हिट करती है। डेलिला मिसाइल की यही खूबियां इसे हानिया की हत्या से जोड़ रही है।
डेलिला के ऑपरेशन रेंज 250 किलोमीटर है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरानी एयर स्पेस में ड्रोन के जरिए इसे फायर किया गया। डेलिला के अलावा शक है कि इस्माइल की हत्या में हेल फायर और स्पाइक मिसाइल से डेडली कॉम्बो अटैक किया गया। कॉम्बो अटैक को समझने से पहले वीडियो के जरिए इन मिसाइलों के अटैक स्टाइल को समझना जरूरी है। ये हेलफायर मिसाइल का एनिमेशन है। इसमें कई ब्लेड लगे होते हैं जो लेजर को फॉलो करके टारगेट को हिट करते हैं, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। मिसाइल के अंदर से चाकू जैसे ब्लेड्स निकलते हैं, इससे टारगेट पर सीधा निशाना लगता है। अब स्पाइक मिसाइल को देखिए। फायर ट्रक से मिसाइल फायर होती है और सीधा टारगेट पर टकराती है। नुकसान सिर्फ एक सीमित इलाके में होता है। माना जा रहा है कि पहले हानिया पर हेलफायर मिसाइल दागी गई, इसके बाद स्पाइक मिसाइल से अटैक किया गया ताकि इस्माइल हानिया के जिंदा रहने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। हालांकि लेबनीज मीडिया की माने तो यह हमला एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, जिसे किसी पड़ोसी देश से दागा गया था। दावा है कि मिसाइल आर्मेनिया ईरान के बॉर्डर से दागी गई। माना जाता है कि यहां मोसाद का मजबूत बेस है, यही से इस्माइल हानिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। मिस्ट्री सिर्फ हानिया के डेथ वेपन को लेकर ही नहीं, हत्या की लोकेशन को लेकर भी बड़ी साजिश की खबरें सामने आ रही हैं। हानिया की हत्या के ऑपरेशन में इसराइल दिसंबर 2023 से ही लगा हुआ था। हानिया की हत्या के लिए मोसाद ने एजेंट्स की टीम लगा रखी थी, लेकिन कतर के बजाय ईरान में ही हानिया की हत्या क्यों की गई, इसके पीछे इसराइल ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। दरअसल ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के बाद अरब में सुन्नी और शिया मिलिटेंट संगठन एकजुट हो गए थे। शिया सुन्नी संगठनों में फूट डालने के लिए ईरान में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसराइल का प्लान था कि हानिया की हत्या तेहरान में की जाए ताकि उसका शक ईरान के एंटी सुन्नी शिया संगठनों पर जाए और शिया सुन्नी एकता में फूट पड़े, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाए। हालांकि इसराइल का ये प्लान नाकाम होता दिख रहा है। अरब के सभी संगठन इसराइल को इस हत्याकांड का दोषी मान रहे हैं। वहीं ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने इसराइल के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हानिया की हत्या पर एक थ्योरी ये भी है कि उसका खात्मा किसी और ने नहीं बल्कि हमास ने ही किया। दावा किया जा रहा है कि गाजा में हमास चीफ याया सिनवार ने ही इस्माइल हानिया की साजिश रची। सवाल है कि आखिर ये दावा कितना सच है। उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस थ्योरी के पीछे वजह क्या है। हमास से 10 महीने युद्ध के बाद इजरायली सेना को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाका हुआ और हमास का सबसे बड़ा लीडर इस्माइल हानिया मारा गया। हानिया की मौत के बाद ही नेतन्याहू और उनकी सेना की वो कसम पूरी हो गई जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को ली थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या हानिया को इतनी आसानी से मौत के घाट उतारना संभव था, खासकर तब जब वो ईरान की राजधानी तेहरान में हाई सिक्योरिटी जोन में था। ये वो सवाल है जिसको लेकर एक साथ कई थ्योरी सामने आ रही हैं। एक थ्योरी में दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया की मौत के पीछे गाजा में हमास का चीफ याहिया सिनवार है। इस्माइल हानिया 2017 से गाजा से निर्वासित था। वो केवल हमास का कूटनीतिक चेहरा बनकर रह गया था, जबकि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन याहिया सिनवार ही संभाल रहा था।
मतलब ये कि यहिया सिनवार ही गाजा में रहकर इसराइल से जंग लड़ रहा था, लेकिन फंड खर्च करने और सीज फायर पर उसे हानिया के निर्देश मानने पड़ रहे थे। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि हानिया की मौत के पीछे सिनवार का हाथ हो सकता है।